राम राम जी, सभी का स्वागत है हरियाणा एग्जाम लर्निंग पीडीएफ चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ का मीनाल महाशिव मंदिर। तो ये शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन काल से है, तो इसके बारे में आपको सभी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी और आपको इस भव्य मंदिर का दर्शन करवाऊँगा, पूरी आपको फुल विजिट करवाऊँगा। वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए नज़र डालते हैं अपनी इस वीडियो पर। चित्तौड़गढ़ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मीनाल शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ से 90 किलोमीटर और बूंदी से तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे इसके पुराने नाम मानलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित मीनाल शिव मंदिर मिनी खजुराहो मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। मीनाल मंदिर एक 11वीं शताब्दी का आश्चर्य है जो निश्चित रूप से देखने लायक है। मीनाल शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जो प्रत्येक वर्ष कई हजारों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप भगवान शिव के प्रति आस्था रखने के साथ साथ इतिहास के भी शौकीन हैं, तो आप मीनाल शिव मंदिर की यात्रा अवश्य कर सकते हैं, जहां आप शिव जी के दर्शन के साथ साथ खजुराहो मंदिर की झलक भी पा सकते हैं। तो इसका इतिहास बड़ा ही रोचक है, बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है, देखने लायक है ये। आपका कभी इधर रूट हो तो इस पर ज़रूर विजिट करें। मीनाल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक शिव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी में राजा सोमेश्वर छमाना और उनकी पत्नी रानी सुहाव देवी द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है ग्रीष्म काल के दौरान राजस्थान की प्रचंड गर्मी से बचने के लिए अक्सर पृथ्वीराज चौहान द्वारा इस शिव मंदिर का दौरा किया जाता था। तो बात करते हैं मीनाल शिव मंदिर की वास्तुकला की। मीनाल शिव मंदिर का निर्माण पत्थर से हुआ है, जिसमें जटिल नक्काशीदार खंभे और एक शिवालय है जिसमें शिव जी की मूर्ति स्थापित है। सभी शिव मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी प्रवेश द्वार पर नंदी की एक मूर्ति है और मंदिर में कुछ खजुराहो मंदिर जैसी चित्रकारी भी की गई है, इसे मिनी खजुराहो मंदिर के रूप में लोकप्रिय बनाती है। तो बात कर लेते हैं मीनाल शिव मंदिर खुलने और बंद होने का समय। अगर आप चित्तौड़गढ़ में मीनाल शिव मंदिर पर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि वैसे तो मीनाल शिव मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन आप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जा सकते हैं, जो मीनाल शिव मंदिर की यात्रा का एक उचित समय माना जाता है। तो आगे बात करते हैं मीनाल शिव मंदिर की एंट्री फीस। आपको बता दें मीनाल शिव मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रवेश और घूमने के लिए निःशुल्क है, जिसके लिए आपको कोई एंट्री फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बात कर लेते हैं मीनाल शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ घूमने जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। यदि आप चित्तौड़गढ़ के मीनाल शिव मंदिर में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का समय होता है, क्योंकि इस समय चित्तौड़गढ़ का मौसम खुशनुमा रहता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में चित्तौड़गढ़ की यात्रा करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपको बता दें मार्च के शुरू होने वाली ग्रीष्म काल के दौरान चित्तौड़गढ़ की यात्रा से बचें, क्योंकि इस समय चित्तौड़गढ़ राजस्थान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है,
जो आपकी मैनाल शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ की यात्रा को हतोत्साहित कर सकता है। तो आगे बात कर लेते हैं मैनाल शिव मंदिर के आसपास के प्रमुख आकर्षण स्थल कौन कौन से हैं। आप राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल चित्तौड़गढ़ में मैनाल शिव मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको अवगत करा दें कि चित्तौड़गढ़ के मैनाल शिव मंदिर के अलावा भी प्रसिद्ध किले, धार्मिक स्थल, पार्क व अन्य पर्यटन स्थल मौजूद है जिन्हें आप अपनी मैनाल शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, महासती, गोमुख कुंड, राणा कुंभा का महल, कालिका माता मंदिर, फतेह प्रकाश पैलेस, श्यामा मंदिर, सतीश देवरी मंदिर, सांवरिया जी मंदिर, मीराबाई मंदिर, रतन सिंह पैलेस, वैसरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, पद्मिनी पैलेस, तो ये काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं। आगे बात कर लेते हैं मैनाल शिव मंदिर कैसे पहुंचे। आप सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यात्रा करके मैनाल शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ पहुंच सकते हैं। अगर आप चित्तौड़गढ़ जाने के लिए परिवहन के विभिन्न तरीकों से बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको अवगत करा देते हैं। आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से आने की योजना बना रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ शहर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा डबोक हवाई अड्डा उदयपुर है, जो मैनाल शिव मंदिर से लगभग 180 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो आप फ्लाइट से यात्रा करके उदयपुर हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं और हवाई अड्डे से मैनाल शिव मंदिर जाने के लिए बस, टैक्सी, कैब किराए कर सकते हैं। सड़क मार्ग से मैनाल शिव मंदिर कैसे पहुँचे। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर आदि और पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से कालिका मंदिर चित्तौड़गढ़ की यात्रा करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। राजस्थान के प्रमुख शहरों से चित्तौड़गढ़ के लिए नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है, तो आप निजी कार, टैक्सी, डिलक्स बसें, ऐसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से मैनाल शिव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। अगर बात करें ट्रेन से मैनाल शिव मंदिर कैसे पहुंचे, तो भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन मैनाल शिव मंदिर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो मैनाल शिव मंदिर से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे जंक्शन चित्तौड़गढ़ को राज्य के और भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ता है, जो दक्षिणी राजस्थान के सबसे प्रमुख जंक्शनों में एक है। भीलवाड़ा रेलवे जंक्शन पहुंचने के बाद आप यहां से ऑटो, टैक्सी, स्थानीय वाहन के माध्यम से मैनाल शिव मंदिर पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपको पूरी विजिट करवाएंगे, वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए और पूरे इस मंदिर का लुत्फ़ उठाइए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस चैनल पर आपको धार्मिक स्थलों के बारे में, प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में और इंडिया जी के, हरियाणा जी के, आपको जीके से रिलेटेड पीडीएफ फाइलें भी मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट ज़रूर करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो आपको आगे ले चलते हैं मंदिर के भव्य दर्शन के लिए। आपको यहाँ पर झरना बहता है, उस झरने की भी भव्य झलक दिखाई देगी। अभी इसी वक्त
झरने का जो पानी है वो थोड़ा कम है, इतना ज़्यादा है नहीं, इसी वजह से आपको प्रॉपर तो नहीं दिखा सकते, बट मैं आपको जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको इस मंदिर की पूरी विजिट अच्छे तरीके से करवा दूँ। देखते रहिए, बने रहिए हरियाणा एग्ज़ाम लर्निंग पीडीएफ के साथ। आपकी सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम कुछ करेंगे। बहुत ही अच्छा भव्य दर्शन, बहुत ही अच्छा मौसम, खुला एरिया, यहाँ कभी बरसात के दिनों में बहुत ही तेज़ धाराओं के साथ पानी बहता है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे की वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे आपके लिए जैसा आप बोलोगे वैसी ही वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी। पानी का बहाव देखिए, बहुत ही कम पानी है, बरसात के दिनों में यहाँ बहुत ही अच्छा भव्य दर्शन दिखाई देता है। बेंगू उपखंड के अंतर्गत स्थापत्य कला और पुरातन विरासत के प्रतीक मेनाल का शिव मंदिर कोटा चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह मंदिर धार्मिक श्रद्धा और प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत संगम है। बरसाती नदी महानल वर्तमान में मेनाली नदी के किनारे पर स्थित है। यह स्थल बरसात के दिनों में रमणीक बन जाता है। ऊपर माल क्षेत्र के खदानों के बीच मेनाली नदी यहां आकर 120 फुट की ऊंचाई से नीचे खरल चट्टानों पर गिरती है। बारिश के दिनों में तेज वेग से गिरने वाले जलप्रपात की ध्वनि दूर से ही सुनाई पड़ती है। इसका आनंद लेने के लिए दूर दूर से पर्यटक उमड़ पड़ते हैं। मेनाल शिव मंदिर का निर्माण पत्थर से हुआ है। इसमें जटिल नक्काशीदार खंभे और एक शिवालय है जिसमें शिव जी की मूर्ति स्थापित है। सभी शिव मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति है, नंदी की मूर्ति है,
और मंदिर में कुछ खजुराहो मंदिर जैसी चित्रकारी भी की गई है, जो इसे मिनी खजुराहो के रूप में लोकप्रिय बनाती है। मेनाल के महानलेश्वर शिव मंदिर एवं अन्य मंदिरों का स्थापत्य और मूर्तियों का शिल्पांकन अद्भुत है। मेनाल के शिव मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर चव्हाणों के शासनकाल में शैव संप्रदाय का एक बड़ा मजिला मठ केंद्र था, जहां 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर परिसर में एक गर्भगृह, एक अंतराल, सवर्ण छत वाला एक रंग मंडप तथा एक छोटा प्रवेश मंडप के साथ उसके सामने स्थित एक नदी मंडप स्थित है। बहुत ही अच्छा भव्य दर्शन मैं आपको इस मंदिर की हर एक चीज दिखाऊंगा कि आपकी कोई भी चीज इस स्थल से छूट ना जाए। आप घर बैठे हमारे इस वीडियो के द्वारा आप पूरे मंदिर का भव्य दर्शन कर सकते हैं। इतिहास के जरोखे में मेनाल, कभी महानाल के नाम से ज्ञात इस स्थान का नाम अपभ्रंश होकर मैनाल बना और अब इसे मेनाल नाम से जाना जाता है। कभी यह जगह हड़ौती राजपूतों के अधीन थी, किंतु पीछे बेगू के शासक इसके अधीश्वर हो गए। सरकार अंग्रेजी के खात्मे के दसियों साल पीछे तक बेगू राज परिवार की यह निजी संपत्ति रहा, लेकिन 1955 में सरकार ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया है। यही विभाग अब इसका प्रबंध करता है। पुष्ट इतिहास यह बतलाता है कि इस स्थान पर मौजूद मंदिरों का निर्माण चौहान वंशी राजा सोमेश्वर ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इस स्थान को अधिक प्रसिद्धि पृथ्वीराज चौहान के समय मिली। कहा जाता है कि राजस्थान की सुलझाने वाली तपन से बचने के लिए राजा पृथ्वीराज इस ठिकाने का आसरा तकता था। इसी परिसर में एक महल भी इसी राजा द्वारा बनवाया गया बताते हैं। कदाचित वर्तमान शिव मंदिर की दाहिनी बाजू वह भवन हो, कदाचित इसलिए क्योंकि बंद होने के कारण हम उसे भीतर से नहीं देख सके। बहुत ही अच्छा भव्य दर्शन आप वीडियो में देख ही सकते हो। बहुत ही सुनहरा नजारा। मेनाल महाशिव मंदिर चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और मंदिरों में एक है।
यहाँ का वातावरण, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें, शांत एरिया दिल को बहुत ही सुकून देता है। बहुत ही पुराने समय में की गई चित्रकारी और इस मंदिर का निर्माण इसे भव्य बनाता है। पथरीली चट्टाने, यहाँ से झरना गिरता है। बहुत ही अच्छा भव्य दर्शन। आप कभी चित्तौड़गढ़ की साइड जाना हो आपका, तो यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करें। हकीकत में ही बहुत ही अद्भुत पैलेस है ये। और वीडियो में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बहुत ही गहरी खाई है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गहरी है। हरियाणा एग्ज़ाम लर्निंग पीडीएफ आपके लिए ऐसी ही अद्भुत चीज़ें लाता रहता है और एग्ज़ाम से रिलेटेड पीडीएफ फाइलें प्रोवाइड करवाता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और पर्यटन स्थलों की जानकारी, हमारे देश भारत का इतिहास और इससे जुड़ी अनेकों जानकारियां इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो आपके अपने चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये मैं आपसे अनुरोध करूँगा। और मैं मिलता हूँ जल्द ही आगे की नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।